तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये ना मेरे क्रश तक पहुंच जाए, और मेरा क्रश आपने वीडियो देखी होगी तो पता चल ही गया होगा। सोला है ये तन मेरा, मैं बिजली बन गई। शादी के बाद मेरी वो क्रश बनी थी। तो डांस करते हुए हुआ क्या? क्या कांड हुआ बता दो। दे डूबे हुए इंसान के तो बड़े ऐश होते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपन भी बिल्कुल मस्त है। अक्षु के एग्जाम खत्म हो गए तो अपनी गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई। अब गाड़ी अब सब पहिया घूमना शुरू हो गया, वरना बिल्कुल ब्रेक लगे पड़े थे घर पे ही इसकी वजह से, क्योंकि कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। पर अभी भी उसके क्या स्कूल चल रहे हैं, तो आज तो कुछ अलग ही कांड करके आया, वैसे तो बताने वाला नहीं है। स्कूल में सर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो आज कल का पेट खराब। तो पेट ही तो खराब है, जबान थोड़ी खराब है, बोल दो कुछ। हाँ, वो जब पेट से जवान में भी दर्द होने लगा, बोलने में दर्द हो रहा है। ये बोलेगा नहीं अब, मतलब कांड ही ऐसा करके आया। तो क्या कांड करके आया वो भी अभी बताएगा, यही बताएगा, इसके मुंह से ही सुनेंगे। मतलब हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे तो कहेगा कि तुम मेरी मजाक बनाते हो, बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, तो यही बताएगा अभी थोड़ी बहुत देर में, जब ये फ्री हो जाएगा, थोड़ा मूड में आएगा तो फिर ये बताएगा। ना, मैं नहीं बताने। तू तो बताएगा एकदम बातें करते करते, मैं कैमरा ऑन कर दूंगा और उसी टाइम। नहीं बताने का ही नहीं, आज मैं पूरे दिन कह रहा हूँ बताऊंगा इसके बारे में। तो इतना पतला रास्ता है, ये साइड ही नहीं मिल रही, सामने से गाड़ी आ गई, मुश्किल से बची है। हाँ, यहाँ पे जो है ये बहुत, और ये सर्विस लेन है। अब यहीं रोकनी पड़ेगी मुझे, रुको। ट्रक आ गया, आने दो। अच्छा बुला रहा है, बुला रहा है। तो ये चीज अच्छी है, बस रोक लेते हैं पीछे, साइड जहाँ होती है। हाँ, मतलब थोड़ा सबर पकड़ लेते हैं लोग इधर। हाँ, और ये साइड में हाईवे है, ये हाईवे का सर्विस लेन है इधर। हाँ, ये हाईवे है और ये उसका सर्विस लेन है। ये हम घूम रहे हैं पटनेम की तरफ, आगे से पटनेम बीच का रास्ता है ये, आगे देखो पाटने समुद्र तट, दैट मीन बीच, समुद्र तट मतलब। शांत हो गया बिल्कुल गोवा अब। मतलब अभी गोवा में मतलब मजा नहीं आ रहा जो आता था ना, सब लोग चले गए वापस, वरना ये भरा हुआ रहता था इस टाइम पे भी ना। हाँ। तो अभी हम बैठ गए भाई पालोलेम आ गए घूम फिर के, और आखिर में हमारा पालोलेम पड्डा जमा। अभी कुछ खाते हैं, पहले भूख लगी हुई है, क्योंकि एक बजे आज इसकी मर्जी है कि भाई पापा कुछ बाहर का खिलवा दो। वैसे ये नहाने के हिसाब से आया है सी के अंदर। नहीं, ये मैं भूल चुका हूँ एकदम। क्या और वो ही नया बार लगाएगा वो कल वाला एग्जाम पे। कल एग्जाम है, एक एग्जाम और बचा है, एनएसक्यूएफ का बचा है ना। हाँ, दोपहर में भी अच्छा ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी है मार्केट के अंदर। अभी बीच साइड देखते हैं पालोलेम के बीच पे क्या हाल चाल है। देखो सामने से ना काफ़ी भीड़ है, बिकॉज ऑफ बस आ रही है। तो लंच अपना हो चुका है, लंच करके अभी हम निकलते हैं बीच की तरफ, थोड़ा मार्केट घुमाते हुए चलेंगे। काफ़ी कुछ नए रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं इधर, पर पार्किंग नहीं मिलती इधर ज़्यादा। गाड़ी पार्क हमने यहीं कर दी जहाँ पे हमने लंच किया। ये आ गई मोनिका, अक्षु। मोनिका यहाँ तो काफ़ी अभी भी भीड़ भाड़ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी भी काफ़ी भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ मतलब चहल पहल है दोपहर के अंदर, यूजुअली इस टाइम पे ना शांत हो जाता है बहुत। तो हम पहुँच गए हैं पालोलेम बीच के एकदम गेट पे, पार्किंग की तरफ। ये सामने ऊपर देखो आप नारियल के पेड़, और गर्मी बड़ी अच्छी वाली है, पूरा दोपहर का टाइम है। 2 बज गए मोनिका, नहीं कब के बज गए, खाना खाते खाते पता ही नहीं चला कब 2 बज गए। तो 2 बजे का ऐसा सीन हो रखा है, पर क्राउड है, और आज जैसे कि वीकडेज है, मतलब वीकडेज में भी यहाँ पे ठीक ठाक क्राउड है, उसको गलत नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा। ये देखो इधर सारे में बोट्स खड़ी हुई हैं, तो जैसे ही आप गेट से नीचे आते हो ना पालोलेम बीच के, बहुत सारी आपको बोट मिलेंगी यहाँ पे, ट्रिप वाली बोट होती हैं ये, और काइकिंग के भी बहुत ऑप्शन है। ये गाड़ी बहुत ड्रिफ्ट मारती है बीच पे, ये देखो क्राउड,
अभी गर्मी है जबकि तब भी क्राउड है, लोग बाग फुल मस्ती कर रहे हैं, ये देखो अंदर, और उधर की तरफ भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्राउड है नहीं, उधर की उस साइड भी काफ़ी लोग मिलेंगे, अभी आगे चलेंगे तो देखते रहेंगे। अक्ष वैसे हुआ क्या था आज तेरे साथ? अरे कुछ तो हुआ था, बता दे यार। अच्छा थोड़ा सा हिंट दे एक बार, फिर हम पहचानेंगे सब, थोड़ा सा हिंट दे, क्या कर रहा था? डांस कर रहा था? तो डांस करते हुए हुआ क्या? कांड हो गया। क्या कांड हुआ बता दो, दे बता दो बता दे। नहीं अरे थोड़ा सा अच्छा हिंट दे दे, बाकी कमेंट करके बता देंगे। पैंट फट गई। पैंट फट गई, पूरा ही बता दिया। ये डांस कर रहा है और डांस करते हुए इसकी पैंट फट गई बेचारे की। हमें घर पे फोन आया कि उसकी एक एक्स्ट्रा पैंट ला के दे दो, हाल खराब है उसका। पूरा पैंट ही दिख रहा था मेरा। ऐसे कांड करता है भाई। इसका डांस जो होता है ना, वो आपने देखा है होली वाली वीडियो में, तो ऐसा डांस करेगा तो पैंट तो फटनी है। इस साइड ना सनबेड लगे हुए हैं काफी, इधर की तरफ अभी फिर भी लोग देखो सी के अंदर खूब घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये देखो हम बिल्कुल आ गए हैं इसके नॉर्थ पार्ट की तरफ, यहाँ से ये बैक वाटर चला जाता है पालोलिम बीच के इस साइड से, और यहाँ से बीच देखो पूरा बहुत ही शानदार लग रहा है ना। हाँ पूरा सर्कल है। अगर आपको स्विमिंग करनी है ना तो नॉर्थ एंड आ जाओ आप, बिना किसी से पूछे यहाँ पे पानी शांत रहता है। ये वाला एरिया बहुत शांत रहता है। हाँ ये मतलब इस पे वॉक करने में मजा आता है, हाई टाइड होता है ना तब भी आप आराम से वॉक कर सकते हो। झुंड जा रहे हैं पूरे पूरे केकड़ों के, पूरे झुंड। हाँ इधर आगे ना, ये रहे आगे आगे आगे, बहुत सारे केकड़े हैं। और ये इसको बोलते हैं मंकी आइलैंड, लो टाइड में आप पैदल करके वॉक करके इधर जा सकते हो, मतलब मंकी आइलैंड की तरफ। बहुत देर से गा रहा है स्विमिंग करनी है स्विमिंग करनी है, और मैं कह रहा हूँ और आगे चलना है तो यहीं लेट गया ये तो। ये मतलब और देख चप्पल पहुँच गया तेरा उधर, फिर ढूंढता फिर ना। ये बहुत ही मतलब पानी के लिए पागल है। आ जा इधर बैक वाटर में चलते हैं, वहाँ वहीं रखेंगे कपड़े उपड़े भी। ये रख दिए मोनिका ने इधर, वो दोनों पहुँच गए और सी में। और आज मेरा मूड है बाहर ही घूमने का, तो मैं उनसे बोला कि तुम चलो मैं आता हूँ, और मैं अभी जाने नहीं वाला, मैं इधर ही घूम रहा हूँ आज। तो इधर बहुत सुंदर सुंदर रॉक्स हैं, कुछ जगह पेंटिंग भी करी हुई है, ये सामने दिख रहा होगा आपको इधर की तरफ। पर ये लो टाइड में अच्छा लगता है, अभी लो टाइड है दोपहर के टाइम, तो अभी घूमने में इधर मज़ा आ रहा है। तो ये इधर बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, हाई टाइड होता है तो आपको ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा, लो टाइड में नीचे से जाने का मौका मिल जाता है। और ये इधर जो छोटा सा आइलैंड है मंकी आइलैंड, वो आ गया उधर भी। अब ये देखो यहाँ से पूरा सी दिख रहा है पीछे की तरफ, और यहीं से बटरफ्लाई के लिए फिर जाते हैं इधर से। ये देखो साउंड आ रही है कुछ की ऐसे, तो इस पे जो पक्षी उक्षी हैं उनकी आवाज़ आ रही है बहुत तेज है। तो ये वाटर क्रॉसिंग टाइप है, इसे आप क्रॉस कर सकते हो। किधर से आ रही है आवाज़? पीछे की तरफ से कहीं से आ रही थी भाई, बंद हुई ये। यहाँ पे गहरा होगा पर आप क्रॉस कर लोगे आगे से कहीं से भी इसको इजीली। तो जब हाई टाइड होता है तो ये इन पत्थरों पर आप खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पे सब में पानी होता है, इवन दो वहाँ तक सारे में पानी हो जाता है हाई टाइड में। और ये पालोलिम बीच हो गया, इधर थोड़ा सा आगे जाके फिर वो बटरफ्लाई बीच आ जाता है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको मच्छी, जो छोटी वाली मछली होती है उनके झुंड है पूरे इधर। यहाँ पर काई है पत्थरों पे, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, इधर जाएंगी अभी बहुत सारी हैं, यहाँ छुप गई कहीं, वो घूम रही है उधर, कलरफुल भी है। उनको तो यहाँ बैठ के बस देखते रहो, मज़ा ही मज़ा है। ये देखो और आ रही है,
बैठ गई एक जगह सारी। फिर ये एक देखो चार हैं लगातार, ये एक छोटा सा बीच बन गया देखो इधर लो टाइड में। तो आज मेरा पूरा मूड है कि अलग कुछ दिखानी चाहिए चीज़ें जो यूजुअली हर टाइम हर बंदा नहीं देखता है आके। पालोलेम तो बहुत लोग घूमते होंगे मगर इस एरिया में बहुत कम लोग आते हैं इस साइड में यहाँ पे, और उसके लिए फिर टाइम नहीं होना चाहिए, लो टाइड होना चाहिए, ये सब चीज़ें। ये देखो इन्हें इस गदोले पानी में नहाने में क्या मज़ा आ रहा है, बेब आ गई। हाँ हाँ दिख रही हैं, हाँ दिख रही हैं, वो इस के पीछे से जाती हैं। तो यार जैसा पानी वहाँ पर होता है ना, आपने देखा होगा अगोंडा बीच के वीडियो और यहाँ के बीच के, तो यहाँ पे जो है पानी इस तरह का मिलेगा आपको, थोड़ा गदोला सा रहता है, वो साफ़ नहीं मिलता उतना, पता नहीं ये बीच बीच का सैंड का अंतर होता है एक्चुअली हर बीच की। तो ये पूछा है मेरी क्रश कौन थी, मेरी क्रश थी मारिया शारापोवा, बैडमिंटन प्लेयर थी और उसने भी शादी नहीं करी बेचारी ने। मेरे उसने भी का क्या मतलब है, मैं तो शादी करने के बाद क्रश हुआ था उससे, शादी करने के बाद उस पर क्रश आया था। हाँ उसने पोपटलाल के लिए नहीं करी, दुनिया में वो इकलौता आदमी सिंगल है। शादी के बाद मेरी वो क्रश बनी थी। रूस की प्लेयर है वो, वैसे भी अपन को यहाँ रशियन मिलते रहते हैं ना। देखो रोना आ गया मेरे आंसू नमकीन आंसू, मेरे आंसुओं से समंदर भर गया। ये देखो पूरा कितना सारा रोया है, ऐसा लग रहा है मैं हूँ एक सरारा लहरा के बलखा के आग लगा के करूं मैं सारा। ये तो बड़े हैं छोटे, डूबा हुआ इंसान नहीं है, मैं इसको रेस्क्यू करके लेके जा रही हूँ। डूबे हुए इंसान के तो बड़े ऐश होते हैं, डूबा हुआ इंसान बोल भी बड़े ऐश होते हैं, उसे पता चले ये चीज तब पता रहेगी ना। ज्यादा अंदर ना ले जाओ डॉल्फिन आ जाएगी। पूरा नोटंकी है, पूरा नोटंकी है ऐसे ही, बस सीमा उल्टे सीधे काम करने में मजे आते हैं। और नोटंकी आ जा, ज्यादा अंदर ना जाओ। सोला है ये तन मेरा, मैं बिजली बन गई गिर गई ना बिजली समुंदर के अंदर। आज ज्यादा एक ये बेताल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, डूबा उधवाए डूबे हुए इंसान की आत्मा बदला लेने आई है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये ना मेरे क्रश तक पहुंच जाए, और मेरा क्रश आपने वीडियो देखी होगी तो पता चल ही गया होगा। और वो आए, ओ माय गॉड हैरी आई वाज मिसिंग यू अ लॉट, दैट्स व्हाई आई एम सिंगल टिल नाउ। तो आए थे कपड़े पहन के, अब जा रहे हैं देखो ऐसे सीधे जाते हैं तो ऐसे ही हाल हो जाते हैं, फिर अब चल के नहाते हैं बस। और मन तो आज कायकिंग का, पर कायकिंग की बजाय स्विमिंग हो गई आज, बहुत मस्ती करी मतलब सी के अंदर। और होप करता हूँ आपको भी वीडियो बढ़िया लगी होगी, मजा आया होगा आज देख के। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और पुलिस वाले हमें हाथ दे रहे थे तो फिर उनको दिख गया कि हमने बेल्ट लगाई हुई है, उन्होंने देखा ये तो बंदे रोज ही घूमते हैं यहाँ पे। तो बोले जाओ, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।